5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। पिछले कुछ वर्षों से और विशेषकर पिछले वर्ष कभी कभी भ्रम के कारण सरकार और जनता के बीच तनाव का वातावरण बना। मुझे विश्वास है कि हम में से हर एक को हिंसा या दबाव का रास्ता अपनाए जाने पर चिंता है। संसदीय लोकतंत्र में ऐसे तरीकों के लिए कोई स्थान नहीं है। देश के शासन तथा निर्माण की जिम्मेदारी में सभी साझीदार हैं और कोई भी व्यक्ति या वर्ग इससे अलग नहीं रह सकता। मेरा यह प्रयास होगा कि देश के अधिक लोग विचार विमर्श और कामों में हिस्सा लें। हम प्रगति में सबको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों, आदिम जातियों, हरिजनों, पहाड़ी इलाकों तथा दूसरे पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर ध्यान देकर विशेष काम करने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। हमारी विशाल और विविध आबादी का कोई भी हिस्सा यह ना समझे कि हम उन्हें भूले हुए हैं। उनकी उपेक्षा से हम सबकी हानि होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता की ओर इस समय मेरा ध्यान है। चालू वर्ष में गल्ले की बहुत कमी रही। हमें बढ़ते हुए दामों के चक्र को नियंत्रण में लाना है और अधिक रोजगार देना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। योजना में तो इनका विवरण होगा, परंतु इसका उत्तर दो शब्दों में है। अधिक उत्पादन खेतों में और कारखानों में, इसके लिए काम करना है। मैं तो परिश्रम और निरंतर काम का एक ही बदला जानती हूँ, वह है और अधिक काम। आर्थिक क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है स्वदेशी और आर्थिक स्वराज्य, और हमें यह दिखा देना है कि अपने पांव पर खड़ा होना केवल हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि हमारा कर्म है। मैं आपको कुछ ऐसी समस्याएं बताना चाहती हूँ जिनको मैं स्वयं बहुत महत्व देती हूँ। हमें अपनी सभी राष्ट्रीय भाषाओं का विकास करना है। हमें सस्ती पुस्तकें तथा उनके अनुवादों को लाखों की संख्या में छपवाने का इंतजाम करना है ताकि वे ज्ञान और संस्कृति के अनगिनत पहिए बन जाएं और विज्ञान तथा तकनीक की जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। इस समय हमें गल्ले की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पौष्टिक खाद्य की कमी की पुरानी और बुनियादी समस्या को भी हम नहीं भूल सकते। यह कमी हमारी जनता के स्वास्थ्य, शरीर और शक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है। मैं यह जरूरी और संभव समझती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जनता को अधिक पौष्टिक भोजन देने की जिम्मेदारी को हमें निभाना है। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है। परिवार नियोजन तो केवल मानव शक्ति के नियोजन का एक पहलू है। दूसरा पहलू है शिक्षा। पिछले वर्ष विद्यार्थी आंदोलनों के चाहे जो भी कारण रहे हों, यह एक चेतावनी है। हमारी शिक्षा पद्धति का शीघ्र ही सुधार होना चाहिए। इस संबंध में हम जो कुछ भी करेंगे उससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के ढांचे ढलेंगे। जो कुछ हम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हमारी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है। यह बहुत सुंदर स्थल में स्थित है और इसका संचालन बड़ी कुशलता से हो रहा है, इसलिए यहाँ आने पर बहुत खुशी होती है।
विशेषतः यहाँ के प्रतिभाशाली युवकों को देखकर जिन्होंने 51वां कोर्स पूरा कर लिया है और जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते रहने की भारी जिम्मेवारी संभालेंगे, अकादमी में प्रवेश पा सकना एक सराहनीय अवसर है। इसके लिए कड़ी प्रतियोगिता करनी होती है। यहाँ रहकर आपको यह मौका मिलता है कि आप अपनी शारीरिक मजबूती, जोखिम से जूझने की क्षमता, मानसिक सजगता ताकि नमनीयता विकसित कर सकें तथा सैनिक व्यूह रचना और तकनीकी की बारीकियों को हृदयंगम कर सकें। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐतिहासिक शक्तियां सक्रिय हैं। आधुनिक युग में सैनिक नेतृत्व के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। एक समय था जब सैनिक से केवल शारीरिक क्षमता की ही अपेक्षा की जाती थी, मानसिक सजगता की नहीं। हालांकि यह देखा गया है कि महानतम सेना अध्यक्ष अपने शारीरिक साहस के साथ साथ बौद्धिकता और सूझबूझ के लिए भी विख्यात रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के समावेश से विश्लेषण तथा वैचारिक समन्वय की क्षमता और भी आवश्यक हो गई है। प्रत्येक स्तर पर अफसरों के लिए एक प्राथमिक जरूरत यह है कि वह औरों का विश्वास तथा वफादारी प्राप्त कर सकें। वफादारी किसी परंपरा के रूप में नहीं प्राप्त होती, इसके लिए एक प्रकार की पारस्परिकता जरूरी होती है। जवान उन अफसरों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं जो इनकी चिंता करते हैं तथा उन्हें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आजकल के युद्ध संपूर्ण युद्ध बन गए हैं और प्रचार माध्यम अपनी रोशनी युद्ध संबंधी प्रयासों पर डालते हैं। सैनिक नेता जो कुछ करते हैं वह पूरे राष्ट्र के सामने होता है, इसलिए यह और भी ज़्यादा जरूरी है कि वे अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा योग्यता से पूरी जनता का विश्वास प्राप्त करें। चाहे सैनिक जीवन हो या असैनिक जीवन, उसके नेताओं को विगत के अनुभवों की पूरी जानकारी होने के साथ साथ भविष्य के बारे में भी अवश्य सोचते रहना होगा। जो लोग अतीत की अनदेखी करते हैं उन्हें अक्सर पहले की भूलें दोहराने का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन जो भविष्य की परिकल्पना नहीं करना ही अपने आप को दोष के हवाले कर देना है। पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना को संशोधित करके अब स्वयं सिद्ध योजना में समाहित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जन जागरण, आर्थिक सशक्तिकरण तथा विभिन्न योजनाओं को परिवर्तित एवं समाहित करके महिलाओं को शक्ति प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गत 12 जुलाई को महिला सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गठित केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान की थी। केंद्रीय सलाहकार समिति ने पाया कि देश में पुरुष एवं महिला अनुपात में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो चिंता का विषय है।
इसके लिए बालिका शिशु हत्या की घटनाओं को रोकने के अलावा स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता प्रतिशत के वर्तमान अंतर को कम या समाप्त करना होगा। यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त न बनाया जाए।